धारा 370 को हटाया, राम जी के मंदिर को बनाया। मोदी जी जो बोलते हैं उसकी गारंटी है, मोदी का गारंटी है, पर दीदी जो बोलती है ठीक उसका उल्टा करती है। ये कहना है राजू बिष्ट जी का। आइए सुने और देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वान, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। पूरा पहाड़, तराई और डूअर समतल जो है बहुत अच्छी स्थिति में है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे दार्जिलिंग सीट का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और पिछली बार 2019 में बंगाल में सबसे ज़्यादा मतों से जनता ने जीत हासिल की थी, उसी रिकॉर्ड को दोबारा जनता तोड़ने वाली है। और मेरे तमाम हमारे जितने भी एयरलाइंस के साथी उन सब से भी मैं संपर्क में हूँ। निश्चिंत रहिए, 3 तारीख को 10 बजे चौरस्ता में मिलेंगे और सब मीडिया के साथियों को भी मैं निवेदन करता हूँ, आप सब लोग जरूर आए। विष्णु शर्मा अलग से कैंडिडेट होने के लिए नाम लिया है। मैं एक ही बात कहूँगा, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं है, वो लड़े और आगे बढ़े। लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि वो मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में लड़ रहा हूँ। बेहतर होता जनता के पक्ष में लड़ रहे होते तो अच्छा ये होता, तो MLA सीट से पहले वो रिजाइन करते तो मुझे लगता उनको थोड़ी सहानुभूति उस चीज़ की मिलती। लेकिन MLA भी बना रहूँगा और मैं चुनाव भी लड़ूँगा। साफ दिखता है उनको सांसद बनने का बहुत इच्छा थी और पार्टी ने वो इच्छा पूर्ति के लिए उनका नाम घोषित नहीं किया। सो ये हो सकता है और मुझे लगता है कि हमको धैर्य के साथ, अगर हम जनता और क्षेत्र के हित में काम करना चाहते हैं, धैर्य के साथ पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। अपनी ईगो में कई बार जो हम डिसीजन लेते हैं वो समाज के लिए भी हानिकारक होता है, व्यक्तिगत रूप से भी हानिकारक होता है। विनोद तावांग को खबर आया कि विनोद तावांग अलग से लड़ेंगे या तो कांग्रेस उनको टिकट नहीं देता है। और हमरो पार्टी का जो अजय एडवर्ड मनीष तावांग को कैंडिडेट करने के लिए, मैंने कल भी कहा कि पहाड़ में बहुत सारी रीजनल पार्टी, उनका यह कहना है कि रीजनलिज्म को बचाने के लिए हमको इंडिपेंडेंट खड़ा रहना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग हैं। इसी तरह कुछ लोग ने कांग्रेस का दामन थामा है और मैं भी इस पक्ष में हूँ कि रीजनलिज्म जीवित रहने चाहिए। और मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूँ, इस बार 15 अगस्त का जो मोदी जी का भाषण था लाल किले से, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि रीजनल एस्पिरेशन को हम मरने नहीं देंगे, रीजनल एस्पिरेशन जो है जिंदा रहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोलता हुआ मैंने पहली बार सुना। सो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मतलब जहाँ जाती है वहीं की पार्टी बनती है। और कृपया करके ये जो है दुष्ट प्रचार करना छोड़ दें। आपकी इच्छा है, आप लड़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हर एक को, जैसा मैंने कहा, चुनाव लड़ने का ये तो एक त्यौहार है तो ज़रूर लड़ना चाहिए। और जितने ज़्यादा प्रतिनिधि रहेंगे और उतना ही जो है जनता को भी कैंडिडेट चुनने का, उनके बारे में अध्ययन करने का ये एक अवसर है, तो अवसर को क्यों गुमाएं। और विनय तामंग जी की भी इच्छा है, वो भी लड़े, उनको भी शुभकामनाएं हैं। काल आपने बोला जी बिमल गुरुंग आपके राजनीतिक पॉलिटिकल गुरु है, आज गुरु से मिलने के लिए आप जा रहे हैं दार्जिलिंग में, क्या बोलिएगा, क्या बात दीजिएगा, क्या आश्वासन दीजिएगा? मैं तो कई बार मिला, लेकिन कैमरा में मीडिया को बोल करके मिलना मुझे लगता है वो राजनीति हो जाता है। तो कृपया हमारे व्यक्तिगत संबंध को राजनीतिक रंग न दे और मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मेरी बात होती है। मैं फिर बता रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए मुझे मीडिया में बता करके जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने भी जो है बुरे संबंध हमारे नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। तो जितना जितना कैंडिडेट होगा उतना लाभ तो
बोल रहा है विरोधी दल का होगा, विरोधी दल का होगा। लोग दावी कर रहा है उन लोगों का माटी सख्त हो रहा है, क्या बोलेंगे इस बारे में तृणमूल? क्या बोल रहा है तृणमूल? बोले जितना विरोधी रहेगा उतना ही उनको फायदा होगा, क्योंकि आपका लास्ट बार जो आप है एक बार एक छत्र भाव आप जीत गया था, एब्सोल्युटली आपको इससे देखिए इससे एक बात स्पष्ट होती है, तृणमूल कांग्रेस को पता है वो हार रही है और वो स्वयं कह रही है कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना उनको लाभ मिलेगा। अब मैक्सिमम लाभ लेने के प्रयास में है, पहली बात तो चुनाव एक चुनाव है, फिर उसके बाद एक विजन भी होना चाहिए कि मैं अगले 5 साल अपने क्षेत्र के लिए जनता के लिए क्या करूँगा। स्वयं कैंडिडेट बेचारे अपने आप को बता रहे हैं मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम जिताएंगे, वो पार्लियामेंट में उसको मिलेगा समय बोलने का, वो खड़ा होकर बोलेगा मेरे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो व्यर्थ में हम 5 साल क्यों खराब करें। मुझे लगता है हमारे पास अच्छा विकल्प मोदी जी के रूप में, मुझे लगता है अच्छे को हमने चुनना चाहिए। मोदी जी ने बोला था जे परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन जो कि सिक्स शेड्यूल का लागू करना या तो 11 जनजातियों को दर्जा देना जनजाति के, ये सब तो अधूरा रह गया। मोदी जी ने क्या कहा था? राम मंदिर को बनना था बन गया, 370 को हटना था हट गया, और आपका जो समस्या है उस समस्या के भी हम निकट पहुंच गए हैं और उसकी घोषणा होनी है। भारत सरकार को सब पता है क्या करना नहीं करना कब करना, क्योंकि वो सरकार है, वो पूरा देश का जो है जानकारी उनके पास रहते है, और हमारा ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है इसके बारे में भी पूरी जानकारी रहती है। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ हम सब ने मोदी जी को विश्वास करके उनके ऊपर छोड़ देना। पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो जाएगा आशा कर रहा है? जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मानना चाहिए कि हो जाएगा, वो मोदी की गारंटी है। हाँ ममता दीदी कुछ कहेगी तो उसका उल्टा करना तय है, लेकिन मोदी जी के बारे में ये है कि जो कहते हैं वो करते हैं। धन्यवाद। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी।